मंत्र
त्रयीणं क्रियालीनं यतीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं आशीर्वाद के रूप में कन्या के उपाचार्य महोदय ध्यान दें, पकड़ना है और इनके ऊपर मंगल आशीर्वाद प्रदान करें और इनके ऊपर विशेष चिंतन का पुष्प की वृष्टि कर दीजिए। इसमें प्रतिदिनम कुशलम वर करनी हो इनका मंगल हो। मैं कन्या के लिए परम पूज्य गुरुदेव की तरफ से जो संदेश मैं देना चाहता हूँ, कृपया ध्यान दें। आप अब दाम्पत्य जीवन में बंद चुके हैं, अग्नि की साक्षी में आपके फेरे लग चुके हैं, देव शक्तियों का आपको आशीर्वाद मिल चुका है। अब आप जीवन भर, बल्कि हमारी संस्कृति में तो जन्म जन्म का साथ माना जाता है, तो आप ये कुछ गुरुदेव में बातें बताइए, सूत्र ध्यान में दें। कृपया एक तो व्रत धर्म में प्रवेश करने के पूर्व कुछ निर्देश है आपके लिए। पहला ये है कि आप अब एक नहीं दो हैं, जिस प्रकार दो शरीर एक जान के रूप में प्रेम से रहे, सुबह घर में हमेशा लक्ष्मी आए इसके लिए सूर्योदय से पूर्व उठने का अभ्यास बनाए। दूसरा, सुबह उठ करके अपने से जो बड़े हैं उनके भोग लगे। तीसरा नियम, घर में जो भोजन बनता है उनको भगवान के भोग लगाए, परिवेश देव ये जरूरी है, जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। चौथी बात, घर में हमेशा खरी कमी का पैसा आना चाहिए, ताकि आपकी संतति होने वाली संतान अच्छी सुसंस्कारी पैदा होगी। और इस जमाने में कन्या और बालक इनमें कोई भेद न करें। कन्या सौभाग्यवती, घर में अगर कन्या जन्म लेती है तो एक लक्ष्मी आती है, उसके प्रति सम्मान का भाव रहे और बच्चे बढ़ाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी न मारे। इस जमाने में सबसे बड़ी संख्या कोई बोलता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या वृद्धि की। इसलिए भगवान संतान का मुंह दिखा दे पर्याप्त होता है, लेकिन अगर कन्या जन्म होता है तो उसका विशेष आप उत्सव के साथ में उसका सम्मान करें। भगवती लक्ष्मी की कृपा होगी, भगवान द्वारकाधीश की कृपा होगी, कन्या की सेवा करने से आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, पुस्तक से इनको प्रदान कर रहे उपाचार्य महोदय। मैं कन्या के लिए आशीर्वाद के रूप में एक गीत बोल रहा हूँ। महिलाएं गीत गाती हैं और वो महिलाएं अभी नहीं है मंच हमारे पास में है, इसलिए मैं महिलाओं की तरफ से एक गीत बोल रहा हूँ। कुल की परंपरा मरिया गांधी भाई जाना बेटी, कुल की परंपरा मरिया काम समय पर करना।
करना विचार पर आए जाना बेटी कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी जो देख प्रभु संपत्ति भारी तो भूल न जाना प्यारी जो देख प्रभु संपत्ति भारी तो भूल न जाना प्यारी अपने देश धर्म हित दान दिलाए जाना बेटी अपने देश धर्म हित दान दिलाए जाना बेटी उनकी परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी घर में आ जाए गरीबी मत धर्म छोड़ना फिर भी घर में आ जाए गरीबी मत धर्म छोड़ना फिर भी हिम्मत से अपना काम चलाए जाना बेटी हिम्मत से अपना काम चलाए जाना बेटी मत देशन में पड़ जाना मत परदेशी अपनाना मत देशन में पड़ जाना मत परदेशी अपनाना तम ग्रहणी का श्रृंगार जाना बेटी तम ग्रहणी का श्रृंगार बनाए जाना बेटी ससुर घर जाना नहीं रोना और रुलाना अपने बचपन का संस्कार भुलाए जाना बेटी अपने बचपन का संस्कार भुलाए जाना बेटी उनकी परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी उनकी परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी बोली जय हो शांति पाठ हमारा कार्यक्रम पूर्ण होता है शांति पाठ बोलते हैं अगर वो जल का विसर्जन है तो वो सत्यों का विसर्जन कर दें और भावना कर लें ओम यो हो शांति अंदरे शकुन शांति प्रभावे शांति 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 शांति